फुटेज है वो सार्वजनिक कर दे और उसमें जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, 300 का मुकदमा हो और इस परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी प्रथम दरभंगा शहर के मिर्जापुर के इंदिरा चौक पे राहुल कुमार झा के घर में आर्थिक सहायता लेकर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष और चुनमुन यादव और जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। तकरीबन 20,000 की राशि देने की बात कही गई है। आपको बताते चले, ब्राह्मण समाज के पटना के भी कई सारे लोग यहाँ मौजूद है। घटना इस तरीके से है कि कुछ दिनों पहले डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के यहाँ राहुल कुमार झा, जो नागेंद्र कुमार झा के पुत्र है, वहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे थे। मजदूरी लेने गए अपने 15 दिन का हिसाब के लिए, तो वहाँ पे लोगों का आरोप है कि सिद्धार्थ कुमार ने उसे बहुत बुरी तरीके से लोहे के रॉड से मारा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इसको लेकर के एक बैठक चल रही है। आपको बताते चले, DSP अनुज कुमार के साथ कई नगर थाना प्रभारी और साथ में समाज के कुछ बड़े लोगों के साथ एक बैठक चले कि जो वीडियो की बात कही जा रही है उसे सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि समाज के सामने न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर है और उसके सामने कोई नहीं है। आइए सुनते हैं मुन्ना खान, चुनमुन यादव और ब्राह्मण समाज के अन्य लोगों ने इस घटना को लेकर के किस तरह का अपना वक्तव्य रखा। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं आपने कहा ना सर कि मतलब जेटर में से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग तौर पर ये तो हो गया कि उसको मारा गया, मारने के क्रम में उसका देहांत हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। अब ये हत्या का आरोप जो लग रहा है ये तो जांच का विषय है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, इसके लिए तात्पर्यता दिखानी पड़ेगी। और पुलिस प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इसको रिपोर्ट आने के पहले किसी सिंगल डॉक्टर की रिपोर्ट पर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है उसको नहीं, एक कमेटी गठित करके, डॉक्टर की कमेटी बना करके इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर करना चाहिए और सर्जिंग करे, ताकि लोगों को ये पता चले, चूंकि सारे समाज में, जनता में ये बात फैल रहा है कि DMCH में डॉक्टर्स जो है वो अनियमितता वहाँ बरत रहे हैं, लोग मार रहे हैं, मर्डर करके जा रहे हैं और आता है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। इसीलिए यहाँ पर सीधे तौर पर हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी उसका रिपोर्ट आए उसको सार्वजनिक करे और डॉक्टर के बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक करे, सिंगल डॉक्टर के सिग्नेचर पर नहीं करे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पा यादव जी को जब रात नहीं पता चला, वहाँ पर लोग आए, हमारे जो जिला के प्रधान महासचिव है चुनमुन यादव, पुतुन बिहारी, रोशन झा, दीपक झा, ये सारे लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जो वार्ता हुई तो रात में ख़त्म कर दी गई। अभी बुलाया गया है कि अभी आपको प्रशासन के साथ बैठ के आप लोग बात कीजिए ताकि इसका निदान निकले। और हम लोग की सीधे तौर पर एक मांग है, जो CCTV कैमरा फुटेज है उसको सार्वजनिक करें, ताकि सार्वजनिक करने के बाद जो भी लोग कल्पित हैं उनको पता, उनको पकड़ा जाए और कोई भी अपराधी मतलब बचे नहीं। और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रपति पप्पू यादव जी ने अभी आर्थिक तौर ये मदद के तौर पर, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, अविलंब उनको जो 20,000 रुपये का आर्थिक मदद दिया है और कहा है कि आगे भी मदद करने के लिए सदैव जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक इनके परिवार के साथ, इनके पिता के साथ खड़ी होगी। हाल ही में केशव चौधरी की हत्या हो गया, आज ठीक कल यहाँ आए पता चला राहुल जी की हत्या कर दी गई, डॉक्टर आदर्श सिद्धार्थ डॉक्टर है उनके द्वारा हत्या कर दी गई है। अब बताइए कि एक गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार है जो इनके साथ परिवार का, राहुल जी तो चले गए, पिताजी आज आए दिल्ली से, दिल्ली में मजदूरी करते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, राहुल जी भी दिल्ली में काम करते थे, तो कहीं ना कहीं परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से यहाँ के मजदूरी किए और उस डॉक्टर के काम की मजदूरी मांगने की वजह से उनका हत्या कर दिया गया। उस डॉक्टर पर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए और उस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए और राहुल जी के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, हर हाल में मदद मिलनी चाहिए। हम लोग कल सड़क पर बैठे थे, जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है, आज हम लोग को SSP महोदय पर बुलाया गया है, हम लोग पांच लोग यहाँ से जा रहे हैं SSP महोदय से, राहुल के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा मिला, भरोसा न्याय मिलना भी चाहिए। और मजदूरी का पैसा मांगा, ब्राह्मण मजदूरी कर रहा था, मतलब वो मजदूर और मजबूर है और वो पैसा मांग रहा था। तो हम लोगों के मिथिला में एक पढ़ाई होती थी घसल अठन्नी, जिस समय में सामंतवादियों ने दलित को घसल अठन्नी दिया मजदूरी के एवज में और वो वापस करने गया तो उसको छल्ला उधार दिया गया। वही कांड आज गरीब ब्राह्मणों के साथ हुआ है कि वह मजदूरी कर रहा था और निश्चित रूप से कुकर्मी, अपराधी, सामंतवादी सोच के लोगों ने उसको लोहा से मार मार कर मार दिया
तो इससे बड़ा और खराब काम क्या हो सकता है। बात हम करते हैं कि ब्राह्मणों को रखा गया है, ब्राह्मणों को दबाने के लिए ही भारत में संविधान का परिवर्तन किया जा रहा है, कानून को बदला जा रहा है, जैसे SC ST एक्ट वगैरह का भी चर्च हुआ है, वही में क्या हो सकती है। देखिए, एक घटना दुखद हुई है, कल जो सूचना के अनुसार हमको गए, इनके परिजन को खोजे गए, नहीं मिले, लेकिन हमने मर्डर केस किया है, इसमें से 3 व्यक्ति को गिरफ्तार हुआ है, जिसने स्वीकार भी किया है कि मारपीट किया था, रेड से हमने गिरफ्तार किया, और उसमें जो है अभी पता चला है कि वीडियो फुटेज है। उसके लिए कल हम लोग जो है 12 बजे बैठक है 5 आदमी के साथ, सीनियर SP हम लोग बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे, और जो न्यायपूर्ण होगा, जो उसमें शामिल होंगे घटना में, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भैया जो घटना में शामिल होगा, मैं उसको जिसके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब घटना में शामिल नहीं है तो जांच के विषय है। घर के होता कोनो काम चले जा तो लेबर के रूप में काम करे, 15-20 दिन बाद काज करे के बाद वो अपन हिसाब मांगा गए, हिसाब मांगे क्रम में हिंदा से गाला गलौज के लोग उनको पैसा दिए, वही के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर लेबर के भेज कर इनका हाथ पैर बैंक, ये वीडियो बता रहा है, हाथ पैर बैंक का 4 mm के रोड से दोनों साइड मारने दे पड़ रहा है, आते फाटे से मृत्यु होती है, क्रम में इलाज के लिए DMC लग गए, बीच क्रम में मृत्यु हो गई।